हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके पी कॉन्स्टेबल क्लासेस के बारे में। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 4th रहने वाली है। और इस क्लास में जो है हम रिवर्स ऑफ इंडिया टॉपिक के ऊपर जितने भी हमारे MCQ बनते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने अपनी जीके क्लासेस में अपने फर्स्ट टॉपिक रिवर्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था। उसमें हमने यहाँ पे 3 क्लासेस में पूरा उसका जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर कर लिया हुआ है। तो आज की क्लास में हम उस थ्योरी के बेसिस पे कुछ MCQs आपके लिए लेके आए हैं, जो MCQs आपके आने वाले JKP कॉन्स्टेबल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन MCQs की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी। तो आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी नदी है जो यहाँ पे एस्चुरी बनाती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णा, सेकेंड है महानदी, गोदावरी एंड नर्मदा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4th, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है ये आपकी एक बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और बेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो एस्चुरीज बनाती हैं, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं आपकी वो बनाती हैं डेल्टा। तो ये आपने याद रखना है। तो इस तरह से जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपकी नर्मदा नदी आती है, ये एस्चुरी बनाती है। इस तरह से ये आपका राइट ऑप्शन 4th बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2nd आपके सामने है, और ये क्वेश्चन कहता है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी को आपके बतानी है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2nd, गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी जो है वो हमारी पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो इसकी लॉन्गेस्ट रिवर आपकी बन जाती है गंगा रिवर। तो ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd कहता है विच स्टेट इज इरीगेटेड बाय गंगा कैनाल। तो जो हमारी गंगा नदी है उसमें से जो जो आप कह सकते हैं एक तरह से गंगा कैनाल भी कह सकते हैं, तो उससे कौन सी स्टेट जो इरीगेटेड होती है वो आपने बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। तो उसमें से जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1st। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिससे यहाँ पे गंगा नदी से वो पूरी इरिगेटेड होती है। हालांकि गंगा नदी की बात करें तो वो बिहार से भी बहती है, वेस्ट बंगाल से भी बहती है, लेकिन जो अब इरिगेटेड करती है वो उत्तर प्रदेश को यहाँ पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन कहता है द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी जो नदियाँ हैं उनका कन्फ्लुएंस क्या है, यानी कि वो किस पॉइंट पे आके मिलती हैं, तो वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार या केदारनाथ। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2nd। तो देवप्रयाग एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं जहाँ पे आपकी अलकनंदा और भागीरथी नदी आके मिलती है, और जहाँ पे ये रिवर फॉर्मेट करती है जिसका नाम है गंगा। तो गंगा नदी इन दोनों के कन्फ्लुएंस से बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सब हमने अपने थ्योरी पार्ट में पूरे डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ में आपको GK सेक्शन मिलेगी, वहाँ पे आप उन दोनों वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th आपके सामने है, और ये क्वेश्चन कहता है द रिवर आल्सो नोन एज सैंगपो इन तिब्बत। तो तिब्बत में जो है वो किस नदी को सैंगपो के नाम से जाना जाता है वो हमें बताना है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर रहेगा 2nd। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको यहाँ पे तिब्बत में सैंगपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसका अलग नाम है, फिर यहाँ पे असम में इसका अलग नाम है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इसका अलग अलग नाम है,
वो भी आपसे पूछ सकता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बाकी नदियों की बात करें तो बाकी नदियों के भी कुछ अनदर नेम्स हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ब्रिद गंगा, तो किस नदी को ब्रिद गंगा के नाम से जानते हैं वो हमने यहाँ पे बताना है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर रहेगा सेकेंड, तो गोदावरी नदी जो है वो आपकी ब्रिद गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट जॉइन अरबियन सी, तो सबसे पहले आपको पेनिनसुलर इंडिया की में जो भी रिवर्स बहती हैं वो पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अरबियन सी जो है वो यहाँ पे कहाँ पर है, यानी कि आपके वेस्ट साइड में है या ईस्ट साइड में है, वो पता होगा तभी आप इन क्वेश्चंस का जवाब जो है वो दे पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पेनिनसुलर के बजाय आपको नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पूछ सकता है या अरबियन सी के बजाय आपको बे ऑफ बंगाल के बारे में भी पूछ सकता है, तो कुछ भी आप क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, तो नर्मदा ऐसी नदी है जो यहाँ पे अरबियन सी को ज्वाइन जो है नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गोदावरी, तो गोदावरी नदी का आपको बताना है ओरिजिनेटिंग पॉइंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नासिक, तो नासिक महाराष्ट्र में जो है वो यहाँ से गोदावरी नदी हमारी जो है निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है द रिवर ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश, तो वही यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, उसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 दिहांग, तो दिहांग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, असम में भी इसका अलग नेम है, फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इसके अलग नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है द जॉइंट रिवर वैली वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी नदी है जो इंडिया एंड नेपाल जॉइंट से निकलती है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं गोमती, चंबल, दामोदर या कोशी, तो ये चार ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कोशी रिवर, तो कोशी नदी जो है वो यहाँ पे आपकी इंडिया नेपाल बॉर्डर से निकलती है। तो इन एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे काफी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मेघना इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच टू रिवर्स, जो मेघना रिवर है वो किन दो नदियों के मिलन से बनती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दो नदियां जुड़ने से जो है वो मेघना नदी यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच रिवर इज अंडर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो ये आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, हमें बताना है कि कौन सी नदी जो है जो अपना बॉर्डर डिस्प्यूट करती है इन स्टेट्स में, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है नर्मदा नदी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है द सॉरो ऑफ बिहार, तो मैक्सिमम इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 कोशी नदी जो है उसे सॉरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे श्रीनगर सिटी है वो कौन सी नदी के बैंक में लोकेट करती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, तो जेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। इसके अलावा जेलम नदी के किनारे तीन और आपकी डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं या तीन और आपकी सिटी कह सकती हैं वो बसी हुई हैं, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि वो भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि JKSSB यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है
द रिवर विच इज यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसको यूज किया जाता है इनलैंड वाटरवेज के लिए भारत में? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, गंगा रिवर। तो गंगा नदी को यहाँ पे यूज किया जाता है इनलैंड वाटरवेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच रिवर फ्लोस बिटवीन द सतपुरा एंड विंदाइज। तो सतपुरा और विंदाय नदी के बीच, सतपुरा और विंदाय यहाँ पे जो हमारी क्या है, जो हमारी रेंजेस हैं, कौन कहाँ पे पेनिनसुला इंडिया में, तो उस दोनों के बीच में कौन सी नदी फ्लो करती है वो हमें बताना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो वो करती है आपकी नर्मदा नदी। तो ये भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका करंट अफेयर के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कहता है द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेल ब्रिज बींग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ J&K विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बताना है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी के किनारे बन रहा है। तो वो बन रहा है आपकी चिनाब नदी के किनारे, इसको यहाँ पे चिनाब रेल ब्रिज के नाम से भी बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना। तो कौन सी यहाँ पे जमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये आपने यहाँ पे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि यहाँ पे हमने हर एक नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऑलरेडी अपनी 3 सेक्शन में कवर की हैं। तो इसका यहाँ पे आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल इन इंडिया। तो लार्जेस्ट इरीगेशन कैनाल बतानी है आपने इंडिया की, तो वो आपकी रहेगी यहाँ पे सेकेंड इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कैनाल सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है भारत की। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है पंजाब हैज ए लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनाल्स ड्राइंग वाटर फ्रॉम। तो कहता है कि पंजाब जो हमारी स्टेट है उसमें बहुत सारी कैनाल्स हैं और वो अपना वाटर यहाँ पे कहाँ से ड्रा करती है, तो वो करती है आपकी सतलुज नदी से, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ऐसा कौन सी नदी है जिसका यहाँ पे रिवर बेसिन यहाँ पे 10 स्टेट से ज़्यादा जो स्टेट्स वो यूज़ करती हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इंदुस, ब्रह्मपुत्र, गंगा और दामोदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, गंगा नदी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने हैं और ये क्वेश्चन कहता है द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुला इंडिया। तो पेनिनसुला इंडिया की ओनली पेरिनियल रिवर कौन सी है वो आपको बताना है। तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर 2, कावेरी नदी। बाकी कौन कौन सी और पेरिनियल रिवर है ये भी आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच। इसमें चार ऑप्शन है आपके सामने, फॉल्ट स्क्रैप, रिफ्ट वैली, नैप या हॉस्ट। तो नर्मदा वैली जो आपकी है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है वो आपने बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिफ्ट वैली। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है और ये क्वेश्चन कहता है दामोदर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। तो दामोदर नदी है हमारी, वो यहाँ पे कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है वो बताना है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, हुगली। तो हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी आ जाती है दामोदर नदी। उसके बाद है 25th क्वेश्चन आपके सामने है, आपने बताना है इसमें से यहाँ पे कौन सा करेक्ट मैच जो है वो नहीं कर रहा, ये भी आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर बताना है। तो ये थे हमारे कुल 25 क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं आपके टॉपिक रिवर्स ऑफ इंडिया में से। इस तरह से हमारा जो JKP कॉन्स्टेबल जो GK सेक्शन में एक टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे अब शुरू कर देंगे, क्योंकि JKP कॉन्स्टेबल का सिलेबस आपके सामने आ चुका है और उसमें GK सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है।
हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, और उसके रिलेटेड जो भी उसकी जो थ्योरी पार्ट है और यहाँ पे एमसीक्यूज है, साथ साथ में उसके पीवाईक्यू को कवर करवाते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी इस 25 क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।